तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अटल पुणे दिखा टीवन की तरह से क्या चल रहा है। तो कैसे हम सर्वाइव करना चाह रही है 100 डे इन माइनक्राफ्ट स्काई फैक्ट्री B6। तो कैसे शुरू करते हैं बेटा बेस्ट की। शुरू में कुछ मैजिक आइटम मिला था, उसका क्या समर मुझे मालूम नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ऊट काटा, काटने के बाद उससे क्रो बनाया, क्रो बन के पूरा टी को काट डाला। उसके बाद ट्री से जो भी सामान मिला उससे मैं आइलैंड को एक्सप्लेन करा। करने के बाद जो भी लीव से इससे मैं सैपलिंग बना सकती हूँ, तो सैपलिंग बना के सैपलिंग लगा के थोड़ी सी डांस करा, इससे क्या होगा मेरा ट्री ग्रो हो गया। ऐसा करके मैं छोटा सा एक आइलैंड और छोटा सा एक ट्री फार्म भी बना लिया। इतना सारा ट्री काटने के बाद मैंने एक सेविंग बनाया और बहुत सारी डॉट बना के इसको सेविंग करा। इसी के साथ हमारा डे वन ख़त्म होता है और सेविंग से जितने भी आइटम मिला सारा इस चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मुझे क्वेस्ट बुक मिला जो पहले मिल गया था, तो मैं पूरा करने लग गया। तो सबसे पहले था सेव बनाना, तो जो मैं पहले बना लिया, इसके बाद मैं हाथ में लिया और क्वेस्ट में जाके कलेक्ट करा। जो हाथ में लेना पड़ता है तभी कंप्लीट होता है, तो इसमें रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ऐसा करके मैं बहुत सारी क्वेस्ट पूरा कर लिया जो भी बेसिक था। अब आता है मेन क्वेस्ट पर, जो था पार्कोर बनाना। तो ये पार्कोर क्या चीज़, तो ये ऐसा एक चीज़ है जो हर मशीन को पावर देता है और इसके लिए बहुत सारे रिसोर्स चाहिए था। इसके बाद मैंने बहुत सारी सेविंग करा, उससे मुझे बहुत सारे पबल मिला और पबल से बनता है कॉबलस्टोन, और कॉबलस्टोन से मुझे कॉबलस्टोन सैपलिंग बनाना है। और सैपलिंग को उगाऊंगा तो मुझे कॉबलस्टोन पेड़ मिलेगा, और कॉबलस्टोन पेड़ को मैं हैमर से तोड़ूंगा तो मुझे सीधा ग्रैमर मिलेगा, और ग्रैमर को सेविंग करूंगा तो मुझे बहुत सारे रिसोर्स मिलेगा। तो ऐसा करके मैं एक पार्कोर बना लिया और डे टू भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आइलैंड को और भी एक्सटेंड करा, करने के बाद जो पार्कोर मिला था लगा दिया। और इस पार्कोर बनाने के लिए एक रिवर्ट मिला जो है सोलर, तो मैं इसके बागों में लगा दिया। इसके बाद मुझे बहुत सारी मशीनरी बनाना था, लेकिन मैंने बस रिसर्च नहीं था। इसके लिए मैंने छोटा सा आइलैंड बनाया और आइलैंड में एक कॉबलस्टोन जनरेटर और एक इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाया, और हेमा से बहुत सारी कॉबलस्टोन स्टोरा, इससे मुझे ग्रेवल मिला और ग्रेवल सेविंग करा। ऐसा करके मैं बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा कर चुका था। इसके बाद मैंने एक कॉबलस्टोन जनरेटर और एक क्रैशर बनाया। बनाने के बाद एक ऑटो सेविंग भी बनाया, तो मुझे और एक सोलर रिवॉर्ड में मिला था, तो मैं इसके ऊपर रख दिया। जितना भी जनरेटर था मैं इस लाइन पे लगा दिया, जैसे कि ऑटोमेटिक मुझे मिल जाए। और जितना भी रिसोर्स मिलता था इसमें ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, जितना भी मिला इसमें से मैं बहुत सारी सोलर बना दिया। उसके बाद मैंने माइनिंग जनरेटर और ऑटो फर्नेस बनाया और एक चेस्ट में कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक चेस्ट में जमा होता है। और पहले वाला जो था मशीन कॉबलस्टोन जनरेटर वाला, वो जो पहले था वो सिर्फ नगद देता था, अब ये पूरा ओट देता है। और जितना मशीन बनाया अभी तक सारा क्वेस्ट में था, और एक साथ क्वेस्ट भी पूरा करके करके आया हो, तो मैं बहुत सारे क्वेस्ट पूरा हो चुका था, लेकिन बहुत सारे रैप भी गया था, तो मैं एक एक करके क्वेस्ट भी सारा पूरा कर लिया। बाद मैंने मेटल कन्वर्टर बनाया, और मेटल कन्वर्टर होता क्या है, इससे मुझे सोल सैंड और सोल सॉइल मिलते हैं। और सोल सॉइल कैसे मिलते हैं, इसके ऊपर कोई भी ग्रेवल या सैंड जाने से सोल सॉइल और सोल सैंड मिलता है। ऐसा करके मैं कॉबलस्टोन के साथ इसको जोड़ दिया, इसके मुझे जो भी नेदर का सामान है वो मिलता रहता है। इसके बाद क्वेस्ट में जितना भी सैपलिंग का क्वेस्ट था मैं एक एक करके सारा पूरा करा। उसके बाद मैंने सोचा एक मेरे लिए बहुत बड़ा सा एक घर और एक स्टोरेज एरिया बनाना चाहिए, तो इसके काम पे लग गया। इसके बाद ऐसा एक मशीन बना जिससे मुझे कॉबलस्टोन और स्टोन दोनों मिल सकते हैं। ऊपर का जो है वो कॉबलस्टोन और जरा मेल्ट होकर स्टोन में कन्वर्ट होकर चेस्ट में जमा होता है, और साइड वाला जो कॉबलस्टोन जनरेटर है वो सीधा कॉबलस्टोन आकर चेस्ट में जमा होता है। इस कॉबलस्टोन और स्टोन से मैं मेरा घर बना सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने इस चीज़ बनाया है। और इसके बाद मेरा जो हंगर बार है पूरा काम हो चुका है, और मेरे पास थोड़ा सा भी फूड है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा आप खुद ही देख लो, मुझे मरना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक स्पॉनर बनाया जिससे एनिमल स्पॉन होता है। इसके बाद मैंने आइलैंड को एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करने के बाद ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जैसे कि मुझे एनिमल इधर स्पॉन हो और नीचे जाके मरे और मुझे फूड मिले। मैंने दो दो स्ट्रक्चर बनाया, जैसे एक एनिमल के लिए और एक मॉब के लिए, इधर मॉब आता रहता है मरता रहता है, जो मॉब ड्रॉप करते हैं वो भी सामान मिलता है, और ये तुम्हारा उसके साथ तुम्हारा एनिमल है जिससे फूड मिलेगा। इसके बाद मुझे छोटा सा एक आइलैंड बनाना है जिस तरह मैं मेरा घर या एक कैसल बनाऊँ, तो उसी काम पर लग गया। वैसे फाइनली हमारा छोटा सा आइलैंड जो है बना लिया। जो गोल बनाना चाहता था लेकिन मुझे गोल बनाना नहीं आता, सर्कल बनाना नहीं आता, इसलिए जितना भी हो सकते मुझे मैं बना लिया। अब मुझे इधर कैसल बनाना है,
तो गाइस फाइनली मेरा कैसल रेडी है। तो कमेंट में बताना कैसा लगा कैसल, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो छोटा सा एक और एक आइलैंड बनाने लग गया क्योंकि मुझे एक स्टोरेज एरिया बनाना है और भी ऑटो। इसी बीच मैं स्टोन फार्म को अपग्रेड कर रहा क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टोन लगने वाला था, और वुड फार्म भी बनाया क्योंकि मुझे वुड भी बहुत चाहिए था, तो इसके लिए मैं एक वुड फार्म भी बनाया। वुड के साथ डायमंड भी मिलता है। इसके बाद मैंने स्टोरेज एरिया बनाने लग गया। तो ऐसा करके चेस्ट आएगा स्टोरेज एरिया में पूरा में। तो गाइस फाइनल स्टोरेज एरिया रेडी है, लेकिन मुझे पीछे हॉपर से कनेक्ट करना पड़ेगा और ऊपर भी जितना भी फार्म है ऑटोमेटिक मशीनरी सारा कनेक्ट करना पड़ेगा ऊपर इस छत का स्टोरेज एरिया के छत में। तो ऐसा करके चेस्ट में आगे खुद जमा होगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हमारा स्टोरेज एरिया रेडी है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो आप फिर से इनका टूर दे देते हो। तो मैंने एक सेल्फ टेबल और एक क्रिएट टेबल बनाया है, और इससे क्या होता है कुछ चीज़ खरीद सकते हैं इससे और बेच भी सकती है, और बेच के कॉइन मिलता है। कुछ डायमंड बेचा, बदले में कुछ कॉइन मिला, उन्हीं कॉइन से एक केक खरीदा, उससे एन केक बनाया, और इस केक को मैं मेरे कैसल के बीच में लगा दिया और चला गया एन में। और उधर कुछ न्यू ओड दिखा था और आई डोंट नो क्या इससे क्या होता है, लेकिन मैंने तो थोड़ी सी ले लिया। उसके बाद मैं घर आ गया क्योंकि मैंने उसके बाद अच्छा आर्मा नहीं था। इसके बाद मैंने कोकोइल का जितना भी क्वेस्ट था सारा एक एक करके पूरा करा। इसके बाद मैं फिगर आउट करने लग गया इससे इस्तेमाल कैसे होता है। कुछ देर के बाद मैं हार मान के इसको तोड़ के चेस्ट में रख दिया। यस उसके बाद मैं मॉब फार्म बनाने लग गया, और मॉब टर के ऊपर सोनर प्लेनर और पार्क को रख दिया, और मॉब टॉक के अंदर स्पॉनर है जिससे ज़्यादा स्पॉन होगा मॉब। फाइनल रेडी है हमारा मॉब फार्म। इसके बाद मैंने डायमंड ब्लॉक का आर्मर बनाया जिसमें प्रोटेक्शन 8 है और इन्फिनिट रिजनरेशन बूस्ट मिलता है, और टूल भी बनाया है बहुत सारी। तो गाइस मैं रेडी हूँ एंड में जाने के लिए, और ड्रैगन को भी मारना है। तो गाइस जाते हैं, देखते हैं कैसे मारते हैं ड्रैगन को। मैंने एंड में गया जाके एक एक क्रिस्टल को फोड़ा, मुझे एक क्रिस्टल को फोड़ना था लेकिन मैं खुद ही उड़ गया। मैं दोबारा एन में गया और एक एक क्रिस्टल को फोड़ा लेकिन मुझे एंड्रॉइड को नहीं दिखा किधर भी। इसके बाद मेरा गेम जो है क्रैश हो गया। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन वाट रोड नहीं होता, क्या ही कर इसमें। और इसका कारण है क्योंकि इसमें बहुत मोड है, 16+ मोड है, इसके लिए ऐसा होता है कुछ दिन खेल सकते हैं, बाद में कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही था। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं सी यू सून।